हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हूँ हरीश चंद्र मीणा। आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है नहर, ट्यूबवेल, वर्षा, तालाब। राइट आंसर होगा वर्षा। सेकंड क्वेश्चन, 2,4-D सुरक्षित उपयोग निम्न में से किस फसल में किया जाता है। 2,4-D सुरक्षित उपयोग निम्न में से किस फसल में किया जाता है। कपास, लोबिया, गेहूं, सोयाबीन। राइट आंसर होगा गेहूं, क्योंकि आपको पता होगा कि 2,4-D एक चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नाशी है। जैसे गेहूं की फसल में बथुआ चीन, जिसका बोर्ड का नाम है चिनोपोडियम एल्बम। कपास, लोविया, सोयाबीन नहीं होगा, राइट आंसर होगा गेहूं। प्रश्न नंबर 3, खरपतवार बीजी जो सरसों के बीज जैसे होते हैं, ऑप्शन है घोकरू, सत्यानाशी, हिरणखुरी, प्याजी। आपको पता होगा कि खरपतवार बीज जो सरसों के बीज जैसे होते हैं, गोखरू में तो नहीं होंगे। सरसों की जब भी खेती करते हैं तो एक गंडेली आकार का पौधा होता है, उसका नाम है वो खरपतवार है सत्यानाशी, जिससे सरसों की फसल के साथ सेवन करने से भी रोग हो जाता है, ड्रॉपसी रोग हो जाता है, और इसकी कारण से आँखों में अंधापन रोग हो जाता है जो सरसों के साथ आसानी से उग जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सत्यानाशी। 5 नंबर क्वेश्चन, अपरदन मुख्यतः प्रभावित होता है तापक्रम, प्रकाश, वर्षा, अपेक्षिक आर्द्रता पर। तो राइट आंसर होगा वर्षा। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन अटपटा है, अपरदन मुख्यतः प्रभावित होता है तापक्रम पर नहीं होगा, प्रकाश पर भी नहीं होगा, अपेक्षित आर्द्रता भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा वर्षा। सेकंड क्वेश्चन, अम्लीय मृदाएं पाई जाती है शुष्क क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों में, अर्धनम क्षेत्रों में, नमी वाले क्षेत्रों में। तो राइट आंसर होगा नमी वाले क्षेत्रों में। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यंत्र भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लिया जाता है। मिट्टी पलटने वाला हल, तवेदार हैरो, तवी हल, टूथ हैरो। राइट आंसर होगा, आप बताओ राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि मिट्टी पलटने वाला हल। आपको पता होगा मिट्टी पलटने वाला हल मोल्ड बोल्ड भी बोला जाता है, जो गहरी जुताई होती है, प्राथमिक अवस्था पर काम में लिया जाता है इसको। सेकंड क्वेश्चन, कृषि क्रियाएं जो बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती है कहलाती है। प्रारंभिक भू परिष्करण, द्वितीय भू परिष्करण, बुआई उपरांत भू परिष्करण, न्यूनतम भू परिष्करण। तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रारंभिक भू परिष्करण नहीं होगा, क्योंकि प्रारंभिक भू परिष्करण का मतलब होता है कि गहरी जुताई, खेतों की गहरी जुताई होती है, और द्वितीय भू परिष्करण का मतलब होता है कि फसल बुआई से लेकर कटाई तक क्रिया की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि कृषि किराए जो कि बीज बुआई से फसल कटाई तक की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन, यार ये तो मैं चालू को करे जो, सॉरी, आदर्श भू परिष्करण दशा में सूक्ष्म रंधों व बड़े रंधों में मध्य अनुपात होता है। ऑप्शन 2:1, 1:1, 1:2, 3:2। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन, चावल में खेरा बीमारी किस तत्व की कमी से होते हैं। आसान क्वेश्चन है,
ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी बोरोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको पता होगा कि चावल में खेरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है, तो जिंक की कमी से होती है। 11 नंबर क्वेश्चन, सभी पौधों के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। आप सबको पता होगा कि 9, 12, 17, 20। 9, 12, 17, 20। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। पहले पोषक तत्व थे 16, 17 पोषक तत्व निकिल को जोड़ने के बाद में पौधों के लिए मुख्य रूप से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था होती है। गेहूं की फसल जब करते हैं तो क्रांतिक अवस्था जो मुख्य रूप से होती है, ऑप्शन नंबर ए शीश जड़ों निकलने की अवस्था, कल्ले फूटने की अवस्था, बाली आने की अवस्था, दूध पड़ने की अवस्था। तो बच्चों आपको पता होगा कि ये चारों क्रांति है जो गेहूं में ही पाई जाती है, चारों क्रांति है जो गेहूं में पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आज आपको ये गेहूं की क्रांति को आज आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप कभी भी गेहूं की क्रांति किसी भी टाइम नहीं भूल पाओगे। तो इसकी ट्रिक्स है सर को FMD, सर ताज को FMD। तो सर का मतलब हो गया शीर्ष जड़ों के निकलने की अवस्था, और बाजी मार गया सरसों का तेल 200 रुपए। तो इसकी ट्रिक्स होगी सर ताज को FMD। तो राइट आंसर होगा शीर्ष जड़ों की निकलने अवस्था। तो दोस्तों मैं ये क्रांति का अवस्था एक अलग चैप्टर में बता दूंगा आपको, जब तक आप वेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका बीमारी किस फसल से संबंधित है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है, लगभग रेलवे के एग्जाम में तो आता है पक्का। ऑप्शन गन्ना, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी मूंग। राइट आंसर होगा इसका मूंगफली, क्योंकि टीका बीमारी मूंगफली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल है एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, बहुवर्षीय इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा द्विवर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, गन्ना निम्न में से किस परिवार से संबंधित है। फैमिली, ऑप्शन ए ग्रेमनी, कुर्सीफेरी, सोलेनेसी, टिलियसी। तो राइट आंसर होगा ग्रेमनी। दोस्तों आपको पता होगा कि जितनी भी अनाज वाली फसलों को ग्रेमनी कुल में आती है, और सोलोनेसी में जैसे टमाटर, तंबाकू, मिर्ची, ये सोलोनेसी कुल में आती है। टिलीलेसी जो तिलहन वाली फसल है टिलीलेसी में आती है, और कुशीफेरी में वह फसल आती है जैसे आ गई आपने फूल गोभी, पत्ता गोभी, ककड़ी आदि फसल जो कुशीफेरी में आती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरो किस सम निम्न में से किस फसल की है। अरहर, सोयाबीन, चना, सोयाबीन और चना दोनों की। तो राइट आंसर होगा डी, गोरो सोयाबीन की भी है और चना की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, पत्तियों पर, जड़ों पर, तनों पर, पूरे पौधों पर। राइट आंसर होगा जड़ों पर। दलहन वाली जितनी भी फसल है तो नाइट्रोजन स्थापित जीवाणु, राइजोबियम
जो दलहनी फसलों में पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए क्यारी विधि, ऑप्शन बी सीमांत पट्टी विधि, ऑप्शन सी बोछारी विधि, ऑप्शन डी बूंद या टपक विधि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों में अंतःसस्य क्रियाएं बढ़ती है, जल निकास दक्षता, जल अवशोषण, जल उपयोग दक्षता, वाष्पन उत्सर्जन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन प्रतिशत नमी आर्स पर सिंचाई करने पर होता है। ऑप्शन ए 25%, 50%, 75%, 100%। राइट आंसर होगा 50%। 21 नंबर क्वेश्चन, लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि है, बूंद या टपक विधि, बोछारी विधि, कुड़ विधि, बाढ़ग्रस्त विधि। तो राइट आंसर होगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए बूंद या टपक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों आपको यह चित्र दिख रहा होगा, साहीवाल जो गाय की वैरायटी है, सेकंड नंबर एचएफ, होल्स्टीन फ्रीजियन, ये सभी गायों की किस्म है, नस्ल है। साहीवाल, एचएफ, होल्स्टीन फ्रीजियन, गिर, जर्सी, राठी, थारपारक, दीवनी, लाल कंधारी, हरियाणा, लाल सिंधी, रेड डैन, गंगात्री, खेरीगढ़, ब्राउन स्विज, अम्बला चेरी। इससे भी गायों की प्रजाति है और दूध प्रजननीय नस्लें हैं।